ओके तो भाई हमारे पास ये होम स्क्रीन रेंडर हो रही है। मैं एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ और मुझे उस पर काम करना है, ठीक है? जिसको जो कोई भी चीज समझ में नहीं आया वो फौरन रोकना, ठीक? राउटिंग कंपोनेंट्स यहाँ पर आ गया और यहाँ पर एक बना लेता हूँ CRUD, बस ठीक। आते हैं यहाँ पर माइनस माइनस प्लस। रिड्यूस रिडक्स होम स्क्रीन, और यहां पर एक बना लेते हैं CRUD.js, CRUD.js। हाँ, फाइल का नेम है क्रिएट रीड अपडेट डिलीट CRUD, ठीक? ओके। और app.js में हमें इसको रेंडर भी करना होगा, तो ये वाली फाइल भी मंगवा लेते हैं, ठीक है? रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट, ठीक? और मैंने बोला कि CRUD, कॉपी किया, और H1 एक बना लेते हैं, नॉट हाइट, CR क्रड एप विथ यूजिंग रिएक्ट विथ रिडक्स, ठीक है? सेव किया, और क्रड को हम एप्लीकेशन में अपने साथ इंटीग्रेट करेंगे, CR, ठीक है? यहाँ हमारे पास आ चुका है, और अब हमारे पास स्लैश पर क्या होना चाहिए, क्रेड, ठीक है? सेव किया, अब मेरे पास यहाँ पर ये आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सबसे पहले मुझे फास्टली क्या कह रहा है ये, कोई मसला नहीं है, आर कोई इशू नहीं है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनानी होगी, एक बटन से डेटा को रिडक्स तक भेजना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिडक्स का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं अपने क्रड के हिसाब से। मैं वापस आता हूँ फोल्डर में, और स्टोर में आया, रिड्यूसर में आया। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक और रिड्यूसर, क्योंकि ऑथ का रिड्यूसर अलग, मैंने बोला था आपके जितने काम होंगे आप उतने काम से रिलेटेड अपने रिडक्स को तोड़ोगे, ठीक है? और मैंने यहाँ पे बना लिया CRUD डैश रिड्यूसर, क्रेड रिड्यूसर यहाँ पे बना लिया मैंने। और वापस आता हूँ एक्शंस में, क्रेड एक्शंस, CRUD डैश एक्शंस, ऑल क्रेड ऑपरेशन एक्शंस आर विल बी डिफाइन हियर, ठीक है? वापस आते हैं, इस फाइल की जरूरत नहीं है, इस फाइल को यहाँ से हटा दिया, और मैं यहाँ से खोल लेता हूँ रिडक्स को एक्शन, और यहां पर मैंने बोल दिया CRUD डैश एक्शंस डॉट जेएस, क्रेड एक्शंस डॉट जेएस। और इसके अलावा मैंने बोला कि क्रेड डैश रिड्यूसर डॉट जेएस, क्रेड का एक्शंस तमाम फंक्शंस यहाँ डिफाइन होंगे, क्रेड का रिड्यूसर हमारे पास ये है, मेन रिड्यूसर को हमें कनेक्ट करना होगा, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे फाइल इसकी खोल ली, ठीक है? ओके, मैं जो पुराना वाला हमारा रिड्यूसर है एक्शन का, कुछ डेटा उसमें से कॉपी करूंगा, AC, इसको बंद करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक्शन टाइप्स की अभी मुझे नीड नहीं है, एक्शन टाइप्स को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको मैं कर देता हूँ क्रेड रिड्यूसर CRUD। इनिशियल स्टेट में मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, हटा दिया सब कुछ, किसी किस्म का मुझे कोई केस नहीं चाहिए, सारे केसेस हटा दिए, जब कोई केस चाहिए होगा हम तब की तब देखेंगे। और क्रेड रिड्यूसर को, ये जो ऑथ रिड्यूसर का फंक्शन है इसको क्रेड से रिप्लेस करते हैं, क्रेड रिड्यूसर, ठीक है? सेव,
और क्रड रिड्यूसर को अब हम अपने मेन कंबाइंड रिड्यूसर के साथ डिफाइन वो मिक्स करेंगे, ज्वाइन करेंगे। CRUD क्रड रिड्यूसर यहाँ मंगवा लिया, और यहाँ पर मैंने कंबाइंड रिड्यूसर में मैंने बोल दिया क्रड स्टेट्स, और उसमें रखा हुआ है क्रड रिड्यूसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब जी? पहले मंगवाया है, और आपका कंबाइंड रिड्यूसर का जो फंक्शन है वो पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की वैल्यू के पेयर्स। हमने की में रखा क्रेड स्टेट्स, उसमें रखा हमने क्रेड रिड्यूसर। ये जो क्रेड स्टेट्स है ये प्रॉपर्टी नेम है। क्लियर है? ओके। और ऊपर जो ये था ये मंगवाया है हमने, सही है, सेव किया। हमारे पास टू डू एप्लीकेशन की जो मेन डेटा रेंडर होगा, वो जो स्टेट होगी वो हमारे पास रिडक्स से हैंडल होगी। तो मैं यहाँ पर एक स्टेट बना रहा हूँ, टू डू लिस्ट विच इज इनिशियली एम्प्टी। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं। मैं गया किसमें, मुझे अपने कॉन्स्टेंट भी खोलना होगा, कॉन्स्टेंट को भी मैंने खोल लिया। ठीक है, अब मैं यहां पर आता हूँ, फास्टली थोड़ा सा एक वो बनाता हूँ, डिव इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर राइट समथिंग, और इसके अलावा वैल्यू और ऑन चेंज, यही होता है। ओके, और इसके अलावा एक बटन चाहिए जो क्या करेगा, ऐड आइटम, और क्या रिक्वायर्ड है, स्टेट्स बनानी होंगी। किसके लिए, सिर्फ इनपुट फील्ड के लिए। क्यों, क्योंकि इनपुट फील्ड की स्टेट कंपोनेंट में इस वजह से बनेगी क्योंकि वो एक कंट्रोल कंपोनेंट है जिसको रिएक्ट कंट्रोल करेगा, नॉट रिडक्स। ओके, यहां मैंने लिख दिया स्टेट्स यूज स्टेट ओके हाँ शॉर्टकट इनपुट स्टेट। ठीक है, और इनिशियल स्टेट को हमने कर दिया यहां से एम्प्टी। क्या था, कुछ भी नहीं था, वैसे ही हो गया, बस यूज करो ना चीजों को। और यूज स्टेट अभी तक हमारे पास डिफाइन नहीं है, तो क्या करेंगे, कॉमा बकेट यूज स्टेट हमें यहां से मिल जाएगा। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है सबको? वैल्यू, वैल्यू में मैंने लिखा इनपुट स्टेट, और यहाँ कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड है, ई कॉमा सेट इनपुट स्टेट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जी क्लियर है यहां तक? वही है, जल्दी से एक ऑन ऐड आइटम का फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट नोट एड आइटम हैंडलर, कॉन्स्ट एड आइटम हैंडलर कंसोल डॉट लॉग इनपुट स्टेट, और उसके बाद इनपुट स्टेट को करा दो खाली, सेट इनपुट स्टेट। और एड आइटम हैंडलर को कहाँ कॉल करेंगे, बटन के ऑन क्लिक में। सेव किया और मैं वापस आता हूं। ठीक है, ये मुझे पहुंचाना है रिडक्स तक, ये मुझे पहुंचाना है कहां तक, अगर यहां पर मैं आऊं कंपोनेंट्स में,
बिल्कुल बन सकती है, वो तो आप 10 दफा बना चुके हो। यस, वो तो आप 10 दफा बना चुके हो। रिडक्स में करने का ये फायदा होगा कि सपोज करो कि अभी आप छोटी चीजों पर काम कर रहे हो, आप किसी बड़ी चीज पर काम कर रहे हो, आपके पास अपने आपकी जो ऐप है उसमें आपके पास 10 कंपोनेंट है, ठीक है, और 10 कंपोनेंट में डेटा किसी न किसी एपीआई से आ रहा है, ठीक है, ओके। अब जो है सीन कुछ ऐसा है कि आपने बोला कि पहले कंपोनेंट में जो डेटा रेंडर हो रहा है 9वें कंपोनेंट में भी वही है, ठीक है, सही है, दूसरे कंपोनेंट में जो है 10वें में भी वही है, ठीक है, ओके। अब आपने जब 10 कंपोनेंट है और 10 कंपोनेंट से एपीआई से डेटा आ रहा है और बात खाली रिएक्ट की करें, तो हर कंपोनेंट में यूज इफेक्ट में एपीआई कॉल करके डेटा नीचे रेंडर करना होगा, हर कंपोनेंट के इंडिविजुअल एपीआई कॉल हो रही होगी, सही है, ओके। तो अगर जो रिपीटेटिव एपीआई है, जैसे ही एप्लीकेशन आपकी रेंडर ओपन हो उसको कॉल करके रिडक्स में रख दें, तो जहां भी रिपीटेटिव डेटा होगा वहां पे कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, कोड भी कम हो जाएगा, आपका डेटा पहले से वहां पड़ा हुआ होगा जहां आपको चाहिए होगा, कॉल करने की एपीआई कुछ किसी की चीज की कोई जरूरत नहीं, बस समझ आए। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। वापस आते हैं, मुझे एक एक्शन हैंडलर बनाना होगा जो ऐड करेगा डेटा को, नोट ऑल एक्शन फंक्शंस रिलेटेड टू क्रेड ऐप आर डिफाइंड हेयर, कॉन्स्ट एड आइटम। अब ये एक रिडक्स का एक्शन फंक्शन है, ठीक है, मैंने क्या बोला था, रिडक्स का जो एक्शन फंक्शन होता है वो क्या करता है, एक कॉल बैक रिटर्न करता है, ठीक है, रिटर्न किया, यहां पर इसको एक कोई ना कोई वैल्यू रिसीव होगी, वैल्यू, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने बोला डेटा कॉमा वैल्यू, और फिर मैंने बोला मेरे पास मल्टीपल एक्शंस हो सकते हैं, इस वजह से मैंने लिखा एक्सपोर्ट नॉट एक्सपेक्ट एड आइटम, ठीक है, बस इतना काम किया, ओके। ये एक फंक्शन बनाया नॉर्मल सा एड आइटम, जो जिसका पैरामीटर में एक वैल्यू मिलेगी, सही है, जो रिडक्स का एक्शन फंक्शन होता है ना वो आपको एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है, फंक्शनैलिटी उसके अंदर लिखी जाती है, क्यों उसका रीजन अभी मैं बताता हूँ, अगर नहीं बताता तो, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन रिटर्न कर दिया, उस कॉल बैक फंक्शन में हमें एक वैल्यू मिल रही है, कौन सी, जो ऊपर पैरामीटर से रिसीव हो रही थी, और फिर मैंने बोला यहाँ पर मोर देन वन फंक्शन होंगे जो हमें एक्सपोर्ट करने होंगे, तो इस वजह से मैंने एक्सपोर्ट कर दिया एड आइटम, वरना फिर अगर एक ही होता तो मैं क्या करता, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एड आइटम, बिल्कुल वही है, सही है, तो मुझे मल्टीपल फंक्शन होंगे इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया एड आइटम, ठीक है, सेव किया, और यहां पर मैं आता हूं, मैंने लिखा एड आइटम, उसको इम्पोर्ट करा लिया, इंपोर्ट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कौन सी चीज को हिट लगाना है, कौन से फंक्शन को डिस्पैच करना है कैसे पता चलेगा, हमें रिडक्स को हिट मारनी है, हमें रिडक्स तक पहुंचना है, उसके लिए मैंने एक, हाँ उसके लिए मैंने एक एक आपको हुक बताया था, वो कौन सा था, हंग नहीं, दो हुक बताए थे, एक रिडक्स तक पहुंचने के लिए, एक रिडक्स से मंगवाने के लिए, यूज डिस्पैच, ठीक है, तो मैं मंगवा लेता हूं यूज डिस्पैच विच इज दिस, वो रिएक्ट से नहीं आएगा, सॉरी ये गलत आ गया, यूज डिस्पैच,
सही है, वो रिएक्ट रिडक्स से आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं रिडक्स, जो यूज डिस्पैच है उसको एक कीवर्ड में कैच कर लेते हैं, डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, और उसको हम कॉल कर लेते हैं। अब यूज डिस्पैच के जितने फंक्शन थे, जितने मेथड थे, वो हमारे पास डिस्पैच में स्टोर हो गए। सही है, ओके। फिर मैंने बोला इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ काम नहीं करना, एक एक्शन डिस्पैच करो, जो डिस्पैच करना है आपको वो रिडक्स का फंक्शन है, और डिस्पैच करने के लिए आपको डिस्पैच को कॉल करना जरूरी है। ये हो गया डिस्पैच कॉल। ठीक है, अब जो फंक्शन था वो लिखना होगा एड आइटम, उसके अंदर हमने लिख दिया, और वैल्यू भेजनी है तो मैंने इसके अंदर पास करा दिया इनपुट स्टेट। ठीक है, सेव करते हैं। यहाँ एड आइटम हैंडलर है, वो एड आइटम है, देखो वो एड आइटम है। हाँ, दो दो बना रहा हूं, ये एक्शन रिडक्स के एक्शंस हैं। सही है, दो दो बना रहा हूं, उसका मैं रीजन अभी बताता हूँ। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, एक और काम कर सकता हूँ, सबर करो जरा, पहले चलाकर दिखाता हूँ। सही है, ये रिडक्स वाला डेटा है हमारे। ठीक है, आओ दोबारा देखते हैं। आपके पास रिडक्स तक पहुंचने के लिए कुछ एक्शन फंक्शंस बनते हैं, वही आपको रिडक्स तक पहुंचाएंगे। ठीक है, वो आपके जो फंक्शन होंगे वो ऑलवेज एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करेंगे। ठीक है, उसको भले आप कंपोनेंट में बना दो। मैंने जो रिडक्स का स्ट्रक्चर, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, उस पे हम एक एक्शन फाइल की, एक्शन नाम की फाइल बनाते हैं। सही है, और उसमें हम तमाम एक्शन फंक्शंस रख देते हैं, विच इज दिस फाइल, विच इज दिस फाइल। ठीक है, ओके। अब इस वाले बटन पे, किस वाले बटन पे, इस वाले, इस ऑन क्लिक पे ये वाला फंक्शन चला, इस फंक्शन के क्लिक पे मैंने इस वाले एक्शन फंक्शन को डिस्पैच किया, डिस्पैच की मदद से। तो वो जो कॉल बैक फंक्शन रिटर्न हो रहा था एक्शन फंक्शन में, उसका रीजन ये है कि ये जो डिस्पैच की सारी पावर है रिडक्स तक पहुंचने के लिए, वो इसको यहाँ पर पैरामीटर में रिसीव हो जाता है डिस्पैच के नाम से, जिसको अगर आप कोई और भी नाम रखोगे तो कोई मसला नहीं। सही है, ओके। अब आता हूं, मुझे एक्शन टाइप बना लेता हूं, और यहां पर मैंने लिखा एड आइटम, और उसकी वैल्यू में मैंने रख दिया एड आइटम। सेव किया, एक्शन टाइप्स को मैं ऊपर बुला लेता हूं, एक्शन टाइप्स मैंने बोला कि इसको बंद कर दो, डिस्पैच को कॉल कर दो, और अब हमने उसके रिक्वायर्ड रिड्यूसर तक पहुंचना है। सही है, डिस्पैच आपके पैरामीटर में लेता है एक ऑब्जेक्ट, विच इज एन एक्शन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये एक्शन फंक्शन ही तो है। सही है, ये पैरामीटर, ये अपने ऑब्जेक्ट में कितने प्रॉपर्टीज लेता है, दो, एक टाइप, दूसरा पेलोड। वन इज नेसेसरी, अनदर वन इज ऑप्शन। टाइप इज नेसेसरी, पेलोड इज ऑप्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी कभार डेटा नहीं भी होगा। मैंने बोला टाइप अगर आपके पास हो, क्या एक्शन टाइप्स डॉट एड आइटम, तो क्या करो, पेलोड, पेलोड में आगे ले जाओ क्या जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, जो ऊपर से ये वाली वैल्यू आ रही है। क्लियर है? अब ये जो डिस्पैच है ना, ये जो डिस्पैच है, ये असल में ये वाला डिस्पैच है, लाइन नंबर 16 पे जो कॉल हुआ। सही है, और उस डिस्पैच ने जिस एक्शन को डिस्पैच किया है, वो यही एड आइटम है जो ये वाला तुमने बनाया था। ये चीजें प्रैक्टिस के साथ साथ याद हो जाएंगी, इतनी आसानी से याद नहीं। ठीक है, आगे जाते हैं। लाइन नंबर 9 देखो ना, अब यहां तक तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी ना, लाइन नंबर 7 के कंसोल तक। अब हमें डेटा आगे रिड्यूसर तक भेजना है, यहां तक। तो उसके लिए जो डिस्पैच है, मैंने उसको हिट लगाई। ठीक है, मैंने बोला टाइप ये है और पेलोड में वैल्यू ये है, अब तुम देखना आगे क्या होता है। सेव किया,
और मैं क्रेड रिड्यूसर पर आया, यहाँ पर मैंने बोला एक्शन टाइप्स को मंगवा लो जरा। एक्शन क्या हो गया, एक्शन टाइप्स सही है। एक केस डिफाइन कर रहा हूं, मैंने बोला केस, नॉट दिस केस, जब हो एक्शन टाइप्स डॉट एड आइटम, सही है, कंफ्यूज मत होना। अब देख लो, केस एक्शन टाइप डॉट एड आइटम, जब ये वाला एक्शन फंक्शन चलेगा तो उसको टाइप मिलेगा एड आइटम, तब सेम आपके पास क्रेड रिड्यूसर में सेम केस पे वो चेक होगा कि एड आइटम पर ये आ रहा है। तो मैंने बोला कंसोल करा लो कि मेरे पास क्या आ रहा है एक्शन में, एक्शन कॉमा एक्शन, ठीक है। अभी अभी तुम देख लो सारे, सेव किया और क्रेड में यहाँ यहाँ एक्शन फंक्शन में जो डेटा वैल्यू था इसको भी मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। अब कंसोल पर देखना जरा, रिफ्रेश। अहमद, ठीक है, ये मेरे पास, ये जो हुआ मेरे पास एक्शन फंक्शन तक गया, और सेम रिड्यूसर में सेम जब एक्शन टाइप कॉल हुआ तो वो बोला एड आइटम कॉल हुआ है, और मेरे पास पेलोड में ये वैल्यू रिड्यूसर तक पहुंच गई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक नजर देखो और फिर मुझे बताओ कि किसी को कोई मसला तो नहीं है। ये फाइल है और ये फाइल है, पहले इसको देखो। अब सेम इसकी वजह से इधर देखो, बस ये केस की वजह से ये हमारा कंट्रोल चल रहा है कि भाई ये केस मिला है। क्लियर है? आगे बढ़े जी, तो रेफा कुछ पूछ रहा है। हाँ, इनिट स्टेट, यार ये तो उसको 10 दफा बताया था कि फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल बना लिया स्टेट का, उसमें इनिट स्टेट को रखा हुआ है, तुम अगर नहीं रखना चाहे तुम खाली इनिट स्टेट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकती हो, ये बोला हुआ है, सही है। एक वेरिएबल बना लिया उसमें इनिट स्टेट को रखा हुआ और कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है। चलो अब देखो आगे तुम्हें इनिट स्टेट को और समझ आएगा, नहीं तो पर डायरेक्ट इनिट स्टेट एक्सेस होगा। हाँ अभी तुम देखो ना, मुझे करने तो दो पहले, ठीक है। ओके अब मुझे ये जो वैल्यू आ रही है एक्शन किस किस में, एक्शन डॉट पेलोड में, सही है, ये मुझे अब इसमें रखनी है, ठीक है। तुम देखो अब तुम्हारे सवाल का जवाब क्लियर हो, मैंने बोला लेट टू डू लिस्ट क्लोन इक्वल टू स्टेट डॉट टू डू लिस्ट डॉट स्लाइस 0। मैंने बोला 0 से लेकर जितने भी आइटम पहले से रखे हुए हैं सबको लेकर आ जाओ, अगर मेरे पास ये नहीं है इनिट स्टेट डॉट टू डू लिस्ट डॉट स्लाइस 0, एक ही बात है। मैंने एक बड़ी सी चीज को एक छोटे से फंक्शन में कैच करके वहां रखा, क्लियर है, ये भी सही है वो भी सही है, कोई मसले वाली बात। ओके गुड, ठीक है। फिर मैंने बोला कि टू डू लिस्ट क्लोन
डॉट पुश, इसमें पुश करो क्या जो मेरे पास डेटा आ रहा था। अगर आप देखो एक्शन डॉट पेलोड में मेरी वैल्यू रखी हुई है, कॉपी किया मैंने इसको और मैं आया एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। फिर मैंने बोला अब इसको हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं मतलब अपने रिडक्स में स्टोर कर देते हैं। रिटर्न किया मैंने, मैंने बोला जहां जहां पे जो जो स्टेट जैसे चल रही है मुझे कोई परवाह नहीं है, उसके लिए मैंने लिख दिया 1 2 3, यानी कि जो जैसा पड़ा हुआ है उनको पड़ा रहने दो। ट्रिपल डॉट ओके स्टेट इक्वल टू इनिट स्टेट, ट्रिपल डॉट स्टेट कॉमा टू डू लिस्ट की जो मेरे पास ये है स्टेट बनी हुई लाइन नंबर 6 पे, इसमें क्या रख दो जाकर, इसमें रख दो टू डू लिस्ट क्लोन, ठीक है। अब हम इसको चला कर देखते हैं, सेव किया और वापस आता हूं मैं, मैंने रिफ्रेश मारा और मैं गया किसमें, कंपोनेंट्स में, माइनस माइनस ठीक है। हाँ अहमद, और वो कहीं ना कहीं गया, पर किधर गया, इधर तो हमने यूज नहीं किया हुआ ना, तो इस वजह से हमें नजर नहीं आ रहा। अगर मैं प्रोवाइडर के पास जाऊं तो प्रोवाइडर में वो मेरे को बोले मेरे पास 2 रिड्यूसर है मेमो में, ऑथ स्टेट्स और क्रेड स्टेट्स। मैंने बोला ठीक है खोलो इनको, फिर उसने बोला कि मेरे पास एक क्रेड स्टेट्स है और एक ये है, ठीक है। अब इसके पास डेटा इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसको डेटा मिलेगा एम्प्टी, वो आपको सिर्फ अपने कंपोनेंट में मिलेगा, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं क्या मतलब, ओके मैं वापस आया, ये जो ओके ये जो रिड्यूसर है, ये वाली जो स्टेट है, ये मुझे अपने कंपोनेंट में एक्सेस करनी होगी। मैंने आपको बताया था रिडक्स का डेटा जब कंपोनेंट में चलाना होगा, फेच कराना होगा, तो उसके लिए कौन सा हुक यूज करेंगे, मुझे रिडक्स का डेटा फेच करके कंपोनेंट में लाना है, उसके लिए कौन सा हुक यूज करेंगे, यूज सिलेक्टर, ठीक है। नोट फेचिंग रिडक्स डेटा, ठीक है। कॉन्स्ट, हाँ इधर करवाना है, इस कंपोनेंट में चाहिए, वहां पर भी मंगवा के दिखा दूंगा, सही है, वहां पर भी डेटा रेंडर करवा के दिखा दूंगा। फेच रिडक्स डेटा इक्वल टू यूज सिलेक्टर, ये पैरामीटर में लेता है आपके पास एक कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन में आपको मिलता है एक ऑब्जेक्ट, और इस कॉल बैक फंक्शन में ये जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यहाँ आपको मिलते हैं कंबाइन रिड्यूसर की तमाम स्टेट्स। कंबाइन रिड्यूसर कहाँ है, ये रहे कंबाइन रिड्यूसर, मैंने जब तमाम स्टेट्स मिल ली हैं, मैंने बोला मुझे इसको एक्सेस करना है, क्रेड स्टेट्स को मैंने कॉपी किया और क्रेड स्टेट्स को मैंने वहां लिखा, फिर मैंने बोला इसी को रिटर्न कर दो, रिटर्न टू आरएन, रिटर्न क्रेड स्टेट्स, क्रेड स्टेट्स को आगे कर दिया मैंने डॉट, मुझे मेरे पास इसमें कौन कौन सी स्टेट्स हैं क्रेड स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, खाली टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट को मैंने कॉपी करा और मैंने लिख दिया क्रेड स्टेट्स डॉट टू डू लिस्ट, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग रिडक्स टू डू लिस्ट कॉलन कॉमा फेच रिडक्स डेटा, ठीक है। सेव किया, एक्शन टाइप्स में आते हैं, सॉरी एक्शंस में, इसको मैंने बंद कर दिया क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर आते हैं इस वाले कंसोल को, इसको भी मैंने बंद कर दिया, सेव किया। और अब अगर आप मेरे पास आओ तो वहां पर अहमद रखा हुआ है क्योंकि अभी रेंडर किया था
और सेव करने पर आने पे आपका रिडक्स रिलोड हो चुका होता है। रिडक्स आपके डेटा को सेव रखता है। ठीक है, वापस आओ कहां पर, कंपोनेंट्स में। अब अगर आप क्रेड में देखो तो यहां पे रिलोड मार लेते हैं। रिडक्स टू डू लिस्ट एम्प्टी, सही है। कंपोनेंट्स में आए, क्रेड में गए, मुझे तो सिर्फ ये देखना है। देख रहे हो सिलेक्टर में ये जो एम्प्टी आ रहा है, ये आपकी एक्चुअली में टू डू लिस्ट है। कौन सी वाली, रिडक्स वाली। ठीक है, अहमद, अली, मेरे पास डेटा सक्सेसफुली रिडक्स में गिरना शुरू हो गया है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। आप इसको जो है देखो थोड़ा सा और फिर मुझे बताओ कि किसी के पास अगर कोई सवाल है। दिस एक्शन, हाँ क्या कह रहे हो, इनिट स्टेट। हाँ हो तो जाएगा लेकिन वो रिडक्स वाला काम नहीं करेगा, मसला करेगा वो। जो उधर वाली स्टेट है ना, जो कंपोनेंट वाली है, वो बार बार उड़ती जाएगी, उड़ जाएगी बार बार, क्योंकि रिएक्ट की जो स्टेट होता है वो म्यूट होती है, रिफ्रेश पे वगैरह पे उड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपका डेटा सेव रहता है और मल्टीपल जगहों पर एक्सेस कंपोनेंट का डेटा नहीं होगा, रिडक्स का डेटा होगा। रिडक्स का डेटा चाइल्ड टू पेरेंट मिलेगा, रिएक्ट का डेटा चाइल्ड टू पेरेंट नहीं मिलेगा। आगे बढ़े। ठीक है, तो अब मैं जो हूं इस वाले, ये जो मेरा फेच रिडक्स डेटा था, इसको मैं यहां पर मैप करा लेता हूं। डिव, और मैंने बोला फेच रिडक्स डेटा डॉट मैप। फेच रिडक्स डेटा है एंड फेच रिडक्स डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तो क्या करो राइट नाउ के लिए, नल, वरना फिर एक H1 क्रिएट कर दो। डेटा नॉट फाउंड, ठीक और नल के बजाय मैंने बोला फेच रिडक्स डेटा डॉट मैप। ये मैप क्या लेता पैरामीटर में, एक कॉल बैक फंक्शन, आइटम इंडेक्स, रिटर्न करवा देते हैं क्या कोई एलिमेंट। मैंने बोल दिया H3, की रिक्वायर्ड, की में क्या पास करेंगे, इंडेक्स, और यहां पर मैंने बोल दिया आइटम। ठीक है, सेव कर देते हैं। जी बताओ रेंडर हुआ वह होगा या नहीं। ठीक है, मेरे पास डेटा सक्सेसफुली, अब ये जो रेंडर हो रहा है ये रिडक्स से आ रहा है। हाँ रिलोड पे तो जाएगा, जब किसी दूसरे तीसरे कंपोनेंट पे जाओगे तब नहीं जाएगा। सही है, एपीआई का जो जो भी डेटा होगा, जब भी आप एपीआई फेच कराओगे उसके डेटा को ऑलवेज रिडक्स में स्टोर करवाओगे, किसी कंपोनेंट की स्टेट में सेव नहीं करवाओगे। कंपोनेंट की जो आपकी परफॉर्मेंस है वो सिर्फ फास्ट तब तक रहेगी जब तक उसके पास कम से कम डेटा है, और रिडक्स प्रॉपर वर्क ही तब करेगी जब उसके पास डेटा ज्यादा है। सही है, ये काम करते करते आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ
मैं आपको दूसरी लिंक बनाकर दे रहा हूँ जी। नहीं, वो अपडेट, वो हमारे हर क्लिक पे रेंडर होता है ना कि भाई क्या अपडेट हो रहा है लड़क। ठीक है, तो मैं आपको दूसरा लिंक बना के दे रहा हूँ ताकि फिर हम इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं।